करवा चौथ है, तो आज के दिन जिन सुहागन देवियों ने व्रत रखा है वो बहनें चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो ये मंत्र बोलकर, मैं मंत्र बोलता हूँ चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलने का, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, क्षीरोदारणवसन्निभम, 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 नमामि शशिनं सोमम, नमामि शशिनं सोमम, नमामि शशिनं सोमम, नमामि शशिनं सोमम, शंभोर्मुकुटभूषणम, शंभोर्मुकुटभूषणम, शंभोर्मुकुटभूषणम्, शंभोर्मुकुटभूषणम्, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। और ये तो चलो सुहागन देवियों ने व्रत रखा होता है वो करती हैं, पर आज चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की। आज के दिन चंद्रमा में गणपति जी की भावना करते हुए जो अर्घ्य देते हैं, तो उनके जीवन में से भी आने वाले दिनों में कोई विघ्न आने वाला हो तो वो टल जाता है। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके दूध पानी शक्कर आदि मिलाकर अर्घ्य दें, ओम गम गणपतये नमः जप करें बस, और गुरु मंत्र का जप कर लें। ये तो हर चतुर्थी को कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की पूनम के बाद जो चतुर्थी आए उस दिन। और आज के दिन जिन देवियों ने व्रत रखा हो वो पांच मंत्र बोलकर मां पार्वती को प्रणाम करें और अपने सौभाग्य की दिलम लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, संकल्प करें, तो उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। पांच मंत्र मां पार्वती को प्रणाम करने के कौन कौन से बोलना साथ में, ये पांच मंत्र आज उन देवियों के लिए है जिन्होंने व्रत किया हो। ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम उमायै नमः, ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः। ये मंत्र बोलकर माँ पार्वती को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपका और शिवजी का ग्रस्त जीवन, ऐसे मेरा और मेरे पति का जीवन हो और उनकी दीर्घ आयु हो, इससे ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।